प्रणाम। कोरोना लॉकडाउन आत्मचिंतन का ये तीसरा ऑडियो। पानी का प्रवाह जैसे पत्थर को घिसता है, वैसे समय का प्रवाह भी दुख और आपत्तियों को साफ कर देगा। प्रशासन के बताए नियम और लॉकडाउन का ईमानदारी पूर्वक सब अपनी नैतिक जवाबदारी समझ के पालन करने लगे तो कोरोना ज्यादा समय इस भूमि पे टिक नहीं पाएगा। एक और डॉक्टर, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, प्रशासन विभाग, सफाई कर्मचारी, जीवन जरूरत चीजों के व्यापारी सभी दिन रात अपनी फर्ज निभा रहे हैं। उन्हें हम जितना सलाम करें उतना कम है। फिर भी किसी की दृष्टि सिर्फ गलतियां ढूंढने में, तो कोई बिना मांगे अपनी सलाह की लिस्ट बनाने में, तो कोई प्रशंसा कर रहे होंगे। एक वर्ग ऐसा भी होगा न्यूट्रल बनके अपनी जवाबदारी पूर्ण करके अपने और परिवार के शरीर की नहीं बल्कि आत्मा की उन्नति की ओर कदम बढ़ा रहा है। क्योंकि शरीर ये मल, विष्ठा, मांस, रक्त और कई रोगों से भरा हुआ है। इसीलिए आज की भावना में भावुक होते हैं और छठी भावना है अशुचि भावना। ये शरीर सिर्फ और शुचि मल मूत्र का भरा हुआ, इस शरीर पे हमें ममत्व नहीं रखना चाहिए। फिर भी हम उसके सजने और सवरने में हमारा समय और पैसा दोनों ही बर्बाद कर देते हैं। अभी का भी ये वक्त शरीर को खा पी के रुष्ट पुष्ट बनाने में मत घुमा देना बल्कि आत्मा को संभालना। हम घर पे बैठे बैठे किसी देश की गलतियाँ निकाले या अपनी सरकार को सलाह सूचन दे ऐसे कोई बड़े होदे के राज्य या देश के मिनिस्टर तो है ही नहीं, पर हाँ हम हमारे घर के होम मिनिस्टर ज़रूर है। इसीलिए चैरिटी बिगिंस एट होम इस प्रोवर्ब को ध्यान में रख के आगे आने वाले वक्त को यादगार बनाते हैं। काफ़ी सारी सुरक्षा तो हम ले ही रहे, इसीलिए हमारे शरीर को कोई रोग से बाधा नहीं होगी, पर पूरा दिन चार दीवारों में बिता के कहीं हम चार कषायों की वृद्धि करके यानि कष अर्थात संसार और आय यानि लाभ, संसार को लाभ हो ऐसी प्रवृत्ति करके क्रोध, मान, माया और लोभ के जंजीरों को खुद ही अपने पैरों में तो बांध नहीं रहे ना। क्रोध, यदि टीवी और मोबाइल में अपन पूरा दिन बिताया करेंगे तो निश्चित ही हर छोटी छोटी बातों में क्रोध आएगा और थोड़ा काम करना पड़ेगा तो बच्चे और भाइयों को तो क्रोध आ ही सकता है। या पूरा दिन जब घर में काम वाली नहीं है तब सब काम बहनों को खुद करना पड़े और घर में कोई मदद ना करे तो स्वाभाविक है क्रोध बुलावा देगा ही। पर याद रखना और क्षमा के गुण को बढ़ाना, परिस्थितियों को अनुकूल बनाने के प्रयत्न हमने कई बार किए, आज मौका है परिस्थिति के अनुकूल खुद को बनाने का। मान, चुनाव के पहले ओपिनियन एग्जिट पोल मांगा जाता है, यहाँ तो बिना मांगे ही अपने अपने दोस्तों के बीच में आज ये राज्य में इतनी पीड़ित संख्या बढ़ेगी या इतने इसके भाव बढ़ेंगे ऐसी बातें होती रहती है। और फिर जब संख्या का चार्ट आता है और खुद ने दिया हुआ अनुमान सच्चा पड़ता है तो हल्ला बुलाता है मान का, दूसरे को नीचा और खुद को ऊँचा समझने लगते हैं। ऐसा विचार आए उसके पहले ही कोमलता के गुण से पूरे विश्व में शांति की भावना मक्कम करना। माया, जॉइंट फैमिली में कामकाज ज़्यादा हो सकता है, हाथ में हाथ मिलाने की जगह कोई छल कपट करके या झूठे बहाने देके अपनी फर्ज से मुंह मोड़ने का मन अगर हो जाए तो पहले ही सरलता अपना लेना। और आखिर में लोभ, आज कईयों के व्यवसाय चालू है और कई चीज़ों की मार्केट में शॉर्टेज भी है और वो चीज़ें यदि आपके पास हो तो उसका भाव बढ़ा के लोभ को बढ़ावा मत देना। उसके पहले ही संतोष और पवित्रता अपने खून में भर देना। बस ये क्रोध, मान, माया, लोभ की जंजीरों को खुद ही अपने हाथ और पैर में मत बांधना और धर्म और प्रभु वचन में लीन होकर आत्मचिंतन में आगे बढ़ना। हमारे अगले ऑडियो का ज़रूर से इंतज़ार करना।